الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. قابل احترام بزر دوستو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كي मुबारक सीरत और मुबारक जिंदगी के कुछ हालात का सिलसिला शुरू हुआ है और मकसद यही है कि इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में आए और इनका जो तरीका था और इनका जो रास्ता था उस रास्ते पर अपने आप को हम चलाएं ये हजरत साहब कराम और उसमें ख़ास तौर पर खुलफा राशिदीन ये हम सब के लिए ज़िंदगी के मुख्तलि मौक़ों पर हमारे लिए रहबर हैं इसी नीयत से ये चीज़ हमें सुननी चाहिए और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तहूँ की सीरत के मुख्तलिफ़ गोशे हैं क़ुर पाक के अंदर बहुत सी आयात हैं जो इनके फ़ज़ाइल को बयान किया गया नबी करीम सल्ह वसल्लम के बहुत सी अहदीस हैं जिसमें इनके फ़ज़ाइल को बयान किया गया मख्तलफ गोशे अलग अलग हैं हम हजूर हज़रत अकबर रजी अल्लाह तैन की खिलाफत का जो अरसा था उस अरसे की उस मौके की सीरत को हम उसके कुछ हालात को हम पढ़ेंगे ताकि हमारे लिए एक रहबरी हो गुजा ये बात आई थी कि हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तु के जो फ़ज़ाइल हैं बेशुम हैं एक रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जन्नत का तस्करा फरमा रहे थे और जन्नत का तस्करा फरमाते हुए जन्नत के दरवाजों का जिक्र फरमाया फरमाया कि जन्नत के आठ दरवाजे हैं और हर दरवाजे का नाम बताया एक दरवाजे का नाम बाबू सऊ बाबू सदक़ा बाबू सब्र बाबुलजिहाद मुख्तलफ और अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिस आदमी के मिजाज में जो अमल गालिब होगा जन्नत का वो दरवाज़ा उसे पुकारेगा और अल्लाह तबारक व ताला उस दरवाज़े से उसे दाखिल करेंगे जैसे एक आदमी के मिजाज में सदक़ा ग़ालिब है वो बब सदक़ा से दाखिल होगा एक आदमी के मिजाज में रोज़ों का मिजाज है तो रोज़ों के दरवाज़े से दाखिल होगा तो हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तन ने पूछा कोई ऐसा आदमी भी है जो जन्नत के आटों दरवाजे से उसको पुकारा जाए कि आप हमारे तो हमारे दरवाजे से आएं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया फरमायान हम तुम है बहुत बड़ी फजीलत है एक किताब में एक हजरत अब्दुल्ला अब्बास रजी अल्लाह तन के बारे में आता है कि वह दर्स दे रहे थे और दर्श देते हुए हज़रत अबू बकर फजीलत को बयान फरमाया और फरमाया देखो क्यामत के दिन अल्लाह तबारक बता जब नेक आमाल का सर्टिफिकेट किसी को देंगे तो दाहने हाथ में देंगे और बुरे आदमी को उसके बुरे आमाल का जो बदला है वह बाएँ हाथ में देंगे और फिर अब्दुल्लिन अब्बास रजी अल्लाह तन ने फरमाया कि इस उम्मत में सबसे पहले जिसको दाएं हाथ में सर्टिफिकेट दी जाएगी सनत दी जाएगी वो हजरत उमर रजी अल्लाह तन होंगे तो शागिर जो बैठे हुए थे वो चौंक गए कि आई न अबा बकर अबू बकर कहाँ चले तो क्या आप कह रहे हैं कि सबसे पहले इस उम्मत में जिसको जन्नत की सर्टिफिकेट दी जाएगी वो हजरत उमर होंगे तो हज़रत अब अबिन तन ने फरमाया जिस वक्त उमर के हाथ में ये सर्टिफिकेट दी जाएगी अबू बकर जन्नत में हो दाखिल हो चुके होंगे उनका मकाम और उनका मेयार कुछ और है तो बहरकै अहादीस कुरान पाक, की आयात बेशुमार हैं बात यहां से शुरू करना है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तहों की जो खिलाफत है कैसे आप खलीफा बनाए गए और खिलाफत के मिलने के बाद आपने एक तकरीर फरमाई उस तकरीर का खुलासा मैं अर्ज करूंगा नबी करीम वसल्लम जब आप बीमार हुए आखिरी आखिरी दौर में आप जब बीमारी बीमार बीमार हुए तो रिवायतों में आता है अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने नमाज पढ़ानी शुरू फरमाई क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्ला बीमार हो चुके अब बीमारी ऐसी के जुमेरात के दिन मगरिब की नमाज सबसे आखिर आखिरी नमाज थी जो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई जुमेरात की ईशा की नमाज जुमेरात की जुमा हफ्ता इतवार और पीर की फजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपने जो है सत्रह नमाजें पढ़ाई तीन दिन की पंद्रह नमाजें और जुमेरात की ईशा और फिर पीर की फजर अल्लाह के रसूल सल्ला वसल्लम का एक आखिरी खुतबा है वो मैंने एक मरतबा जुमा में इसको मैंने अर्ज़ किया था कि कि वो खुतबा क्या है उस खुतबे का एक खुलासा मैं अर्ज करूँ बड़ी मुश्किल के साथ दो सहाबा के सहारे हजूर सल्ला वस्जिद में तशरीफ़ लाए और आकर आपने सहाबा को जमा करके खुतबा इरसाद फरमाया उस खुतबे में अनसार और महाजरीन और फिर फरमाया आप देखो ये अनसार मदीने वाले हैं इनका हम पर बड़ा एहसान है इनके एहसान का ख्याल रखना फिर एक फरमाया कि मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी कब्र को इबादत की जगह न बनाना ये कई चीजें हैं उसमें एक बात आपने फरमाई कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एक बंदे को इख्तियार मिला कि वो दुनिया में रहना चाहे तो रह सकते हैं और हमारे पास आना चाहे तो आ सकते हैं तो अल्लाह के उस बंदे ने अल्लाह के पास जो चीज़ है उसको इख्तियार कर लिया ये बात जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई तो हजरत अबू बकर रोने लगे हजरत अबू सईद खुदरी हदरी फरमाते हैं मैं सोचने लगा कि इसमें रोने की क्या बात है लेकिन सहाबा में सबसे बड़े आलिम और फहम रखने वाले हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तन वह समझ गई इस मौके को कि इसमें क्या इशारा है गोया अल्लाह के रसूल सल्हल वसल्लम इस दुनिया से जाने के लिए आप हमें इशारा कर रहे हैं कि दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है और यही चीज अब ये बीमारी के अय्या में दो बातें अर्ज करूंगा दो हदीसें हैं एक हजरत अली रजियाल्ला की एक हजरत उमर रजी अल्लाह तन की हजरत अली रजियाल्लामाते हैं अल्लाह के रसूल सल्हस जब बीमारी की हालत थी तो आप ऐसे मेरे साथ लेटे हुए थे कि आपका जो सर मुबारक था वो मेरे सीने से लगा हुआ था मैंने आपके सर मुबारक को लिया हुआ था तो उस मौके पर आपने एक जुमला फरमाया हजरत अली रजील्ला से कहने लगे कि अली इतनी भी तबक एक लिखने की कोई चीज़ तबक कहते हैं कोई लिखने की चीज क्योंकि उस जमाने में कागज में लिखने का रिवाज नहीं के बराबर था पत्तों में लिखते हड्डी में लिखते किसी और चीज़ में लिखते लिखने का रिवाज कोई ऐसी चीज लिखने की लेकर आओ मैं ऐसी चीज लिखूं कि माला तब मिन उम्मती कि मैं ऐसी चीज लिख दूँ कि उम्मत उस मामले में गुमराही पर ना चली जाए मेरे बात ताकि उम्मत उस चीज़ को देखकर हिदायत पर रहे अली रजी अल्लाह तैन फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम इतने सख्त बीमार थे मुझे ये अंदेशा हुआ कि अगर मैं आपको उस हाल में छोड़कर जाऊं और वहां से कोई चीज़ लेकर आऊं कहीं आपकी मुबारक रू परवाज ना हो जाए मैंने कहा यार रसूल अल्लाह सल्लाह आप मुझे कह दीजिए क्या बात लिखवाना चाहते हैं मैं उसको याद कर लूंगा और बाद में लिख लूंगा और हजरत अली रजी तुद फरमाते हैं मैंने अपना काम करीब किया तो हजूर अक्रम सल्ला वही बात इरशाक़ फरमा रहे थे

हज़रत अब्बास हजरत अमर रजी अल्लाहुमा दोबा हजूर सल्लाम के पास बैठे हजूर अक्रम सल्ला व्ल् ने वही बात फरमाई कि उमर कोई चीज़ लिखने की लेकर आओ ताकि मैं लिख दूँ तो कहने लगे या रसूल सल्लाम अभी इस वक्त आपकी हालत आपकी जो है तबीयत बहुत नाजुक है आप आराम फरमाए किताबल्ला है आपके इर्शादात हमारे सामने हैं आप अभी आप आराम करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रह गए तो ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये इस चीज को समझना है हुजूर ये मामला हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तन ने जब फरमाया तो लोगों ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तन पर इल्जाम लगाया कि देखो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला तन असल में वो चीज़ जो लिख, नहीं लिखवाना चाह रहे थे वो कुछ और मसला था खिलाफत का ये इल्जाम लगा हालांकि हजूर अक्रम सल्लम उस वाक़े के तीन दिन बाद तक आप दुनिया में बक़ैद है यात अगर वाकई इतनी अहम चीज़ होती उमर के कहने से आप नहीं रुकते और वह वाकई अहम चीज़ होती तो बाद में लिखवा देते लेकिन साहब कराम दोनों ने भी हजरत अली हजरत उमर रजी अल्लाह दोनों ने जो मना किया महब्बत की बुनियाद पर आपकी तबीयत नासाज है इस मौके पर आप लिखवाएं तो क्या कर? लेकिन जो है ये बात समझ गया तो हजरत बिल्कुल इस मामले में साफ कि आपकी जो आखिरी वसीयत थी वो हजरत अली रजी अल्लाह आपने उसको सुन लिया और सुनकर आपने उसको महफूज कर लिया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया जुमेरात के दिन मगरिब ईशा रिवायत में आता है ईशा का वक्त आया तो आपने जो है पूछा क्या वक्त है ईशा का वक्त हो चुका है साहबा इंतजार कर रहे हैं मस्जिद में साहबा इंतजार कर रहे हैं तो उस मौके पर सबसे पहला जुमला आपने फरमाया उठा नहीं जा रहा था फरमाया अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाए मुरु अबा बकरिन फल युसली बिन ना हकुम तो अबू बकर नमाज के लिए खड़े हो जाए इस रिवायत के बारे में गुजश्ता मजलिस में अर्ज किया इस पर हजरत आयशा रजी अल्लाह तन ने कहा था कि अब्बा बड़े नरम दिल के हैं मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे तो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे आप उमर से कहें बल्कि हजरत हफ्सा रती अल्लाह तह भी वहाँ थी उनसे भी कहा तुम भी यही बात कहो तो अल्लाह के रसूल सल्ला तीन मरतबा जुमला कहे मुरु अबा बकर अबा बकर अबू बकर को हकुम दो अबू बकर को नमाज के लिए इमामत करे तो सत्रह नमाजें हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तन ने की मौजूदगी में आपने इमामत फरमाई पीर के दिन जब सुबह हुई पीर के दिन जब चाश का वक्त जब सूरज निकल आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला की तबीयत में कुछ इफ़ाक़ा महसूस हुआ तो हजरतबू बकर इजाजत लेकर चले गए एक तो उनका घर वहीं है जो खुतबे में यह भी है कि जितने दरवाजे खिड़कियां मस्जिद की तरफ खुलती हैं सबको बंद कर दो सिवाय अबू बकर के और आज भी जो है मस्जिद नबी के दाएं तरफ ऊपर अगर देखेंगे हाजी ही खौकत अबी बकर अबू बकर रजी अल्लाहन की खिड़की और उनका दरवाजा है तो आपने फरमाया अबू बकर की खिड़की और दरवाजा खुला रहेगा तो एक तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तला का घर वो है एक बीवी वहां रहती थी और एक अहलिया दूर में रहती थी वो इजाजत लेकर चले गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला दुनिया से रुख़त हो गए अब साहब इक्राम खुद हजरत नु फरमाते हैं जिस दिन मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला तशरीफ़ लाए वह हम सब के लिए सबसे नूरानी मुबारक दिन था और जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला दुनिया से रुखत हुए वह सबसे ज्यादा हमारे लिएने हादसे का और गम का दिन था अब साहब इक्राम इंतकाल हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए उस वक्त की कैफियत को अगर हम देखें सहाबा की अजीब हालत थी हज़रत अली रजी अल्लाह तआला तु मस्जिद के कोने में बैठ गए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला तु के बारे में आता है कि जबान बिल्कुल बंद एक सहाबी तो उन्होंने हाथ उठाकर दुआ कर ली अल्लाह यार्ला आंखें किस काम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे तो उनको हम देखा करते थे अब वो भी नहीं रहे तो हम क्या करें या अल्लाह मेरी बीना ही उठा ले ऐसा तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तशरीफ लाए और आकर जो है आयशा रजी अल्लाह के घर में दाखिल हुए कमरे पर हजूर अक्रम सराम आपके ऊपर जो है यमनी चादर डाली गई थी उस चादर को हटाया गया हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तन आपकी पेशानी पर बोसा दिए आंखों से आंसू जारी हैं और बोसा देकर आपने दो जुमले फरमाए मैयता हईय वमयता कैसी पाकिजा जिंदगी अल्लाह ने आपको दी और कैसी मुबारक मौत अल्लाह ने आपको अता फरमाई और अल्लाह तबारक ताला दो मौतें कभी नबी पर जमा नहीं फरमाएंगे एक मौत दुनिया में आनी थी वो आ गई और दूसरी मौत अब आप पर जमा नहीं होगी यानी मतलब ये कह रहे हैं कि आप दुनिया से रख्सत होने के बाद भी आप हमारे लिए एक जिंदगी की तरह है आपकी रहमतें बरकते हमें मिला करती हैं। तो ये चीज हो गई अब वो अब देखिए ना वो सिचुएशन कैसा था यही तो है ना कि पीर के दिन सुबह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए जनाजा कब पढ़ा गया पूरा पीर पूरा मंगल मंगल के दिन मंगल और बुध के दरमियान की जो रात है उस रात में जनाजा पढ़ा गया यानी इतना जो वक्फा है इतनी जो तखीर है वजह यह थी कि मसाइल और हालात आने शुरू हो हालात कैसे एक मसला ये था कि नबी करीम अलैहि वसल्लम को गसल कैसे दे? आपकी जनाजे की नमाज कैसे पढ़ाए अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की तदफीन कहाँ पर हो किसी ने कहा मक्के में होनी चाहिए क्योंकि वह आपका वतन है किसी ने कहा नहीं नैनी बैतुलमकद में होनी चाहिए क्योंकि वहां तो अम्बिया आसमाम का मरकज़ है तो उस मौके पर जो है ना अगर हम देखें सैदना अबू बकर मुझे ये असल में वाक्य अर्ज करना है ये जब सिचुएशन ये हालात चल रहे थे जब भी कोई अमीर हाकिम बादशाह दुनिया से रखसत होता है तो सबसे पहला जो मरहला है सबसे पहला जो काम होता है हकीकत है ये कि उनका जानशी मुकर्रर होना है बास मरतब आप देखे होंगे बादशाहों की मौत की इत्तला भी नहीं होती जब तक पहले जानशीन मुक्र करते हैं बाद में ऐलान करते हैं इंतकाल हो गया सिचुएशन को संभालना है तो वो उस मौके पर एक काम ये हुआ कि मस्जिद नबवी गेट नंबर आप बिल्कुल नंबर फाइव और सिक्स गेट नंबर आप मस्जिद नबवी की गेट नंबर फाइव और सिक्स उन दो के दरमियान आज भी जो है ना ऊपर एक लिखा हुआ है बनू साइदा हदीका, हदीका सकीफा बनु साइदा वो चबूतरा था उस जमाने में हवेली की तरह वहां पे जो है बिल्कुल बिल्कुल लाइट भी अलग है बिल्कुल आप देखेंगे गेट नंबर कुछ साहबा जमा हो गए हजरत सादिब ने उबादा रजी अल्लाह अब वहां जमा होकर साहबा परेशान है क्या करना है तो किसी ने कहा कि अभी अमीर कौन बनेंगे अब अमीर कौन होंगे तो अनसार ने कहा कि भाई क्या ये बेहतर है कि एक अमीर अनसार में से हो एक अमीर महाजिर में से हो अच्छा और किसी ने कहा अमीर जो है फला होना चाहिए अमीर फला होना चाहिए उस मजलिस में एक आदमी उठकर सीधे आया इधर मस्जिद नबवी की तरफ आए और आकर हजरत उमर रजी अल्लाह तुम से कहा हज़रत आप यहाँ क्या कर रहे हैं वहां पर कुछ लोग जमा होकर मशवरा कर रहे हैं कि अमीर किसको बनाना है अरे ये मामला हो रहा है तो हजरत उमर रजी अल्लाह अनहु हजरत अबू बकर और हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह इन दोनों को लेकर वहां पहुंच गए और पहुंचकर उन लोगों को बिठाया बिठाकर पूछा भी क्या कर रहे हो कहा कि भी हम मशवरा कर रहे हैं कि अमीर कौन हो अच्छा और हर एक की राय सामने आ रही है तो उस मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह तु फरमाते हैं मैं कुछ कहना चाह रहा था और मेरे जहन में एक मजमून था मैं ये पेश करूं जरत अबू बकर ने रोक दिया कहानी सुनो और खुद कहते हैं तुम रजी अल्लाह तू उस मौके पर हजरत अबू बकर ने अल्लाह की ऐसी मदद आई कि उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से बात उन लोगों के सामने पेश की कि मामले को जो है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तला ने उसको संभाल लिया कहा कि देखो बात सीधी सीधी की तुम कैसी बात करते हो कि अमीर अनसार में से हो एक महाजरीन में से हो अमीर फलाह में से हो अमीर कौन होगा अमीर तो वो होगा जो कुरैश में से हो क्या तुमने नहीं सुना नबी करीम वसल्लम की यह हदीस अंसार से कहने लगे क्या तुमने फलाह हदीस नहीं सुनी हजरत सादिब ने उबादारजी अल्लाह तन से फरमाया कैसे क्योंकि अगर अनसार में से हो तो अनसार के दो कबीले हैं जमा हो सकते आपस में सारे कबाइल अरब जो है कुरैश पर और इसीलिए हदीस की किताबों में मुस्तक फज मनाकब कुरैश बयान किए गए तो आ, इमा, अम, इमारत और खिलाफत तो कुरैश में से होगी ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तन ने फरमाया और फरमा कर कहने लगी कि उमर है चाहे तो इन पर बेत कर लो या चाहे तो अबू अबेदा हैं इन पर बेत कर लो जैसे ही यह कहा तो अब हजरत उमर रजी अल्लाह तन ने फरमाया नहीं बैत के हकदार तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तू हैं। अब उस मजमे से वो फजाइल सारे बयान करने लगे इस्लाम में पहल करने वाले हिजरत करने वाले कुर्बानियां देने वाले भाई कौन है आप जरा सोचो कि अबू बकर से कोई बड़ा हम फजीलत के अतबार से हो सकता है तो जब ये बात करने लगे तो उसमें एक सहाबी है हजरत बशीर रजी अल्लाह तजरत जैद इबन साबित हज़रत जैद इबिनत ये ख़ीबुलंसार थे ख़ीबुलसार यानी खतीब, खतीब ना कि भाई जैसे ख़तबालम्बिया हज़रत शुब्लाम है ख़ीबालसार हजरत जैदिन अब साहबियात में भी एक खतीब आती हैं हजरत असमा बिनते यजीद रजी अल्लाह तार बड़ी इल्म वाली बड़ी फसाहत बड़ी बलागत तो बहर के सहाबा में भी एक ख़ीब थे पूरी सहाबा की जमात में हजरत इबन कैस रजी अल्लाह त ये तो हजरत जैदी ने साबित कहने लगे कि नहीं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तन अमीर होंगे तो फहरन आगे बढ़े हजरत बशीर रजी अल्लाह तु उन्होंने बेत की बेत करने के बाद फिर हजरत उमर रजी अल्लाह तुन बेत की हजरत अबूबैदा ने बेत की फिर महाजिर वहां जितने थे उन्होंने बेत की अनसार जितने थे उन्होंने बेत की कर ली ना इसको कहते हैं खास बेत असल बैत हो रही है इमारत की मस्जिद नबवी में अगले दिन पर वहां पे जो सिचुएशन असल में यहां एक चीज उलमा ने लिखी है ये हजरत अबू बकर ताला वहां जो गए वो जो है खिलाफत पर बैत लेने के लिए नहीं गए बल्कि वहां जो गए वो जो है मामले को उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए यहां किताबों में साफ लिखा है अगर वहां कोई अमीर तय हो जाता और उस अमीर पर बैत हो जाती मुसलमानों में इंतजार हो जाता इख्तिलाफ शुरू हो जाता है ना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला की अहादीस देखिए दो बातें हैं सराहतन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाह ने सराहतन कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर होंगे बना देते नहीं बनाया लेकिन आप इशारतन इतनी हदीसें हैं इतनी मैं आपको बताऊं एक मरतबा हजूर सल्लाह खाब देख रहे और खाब फजर की नमाज के बाद साहबा से कहने लगे आपका खाब हजत होता है दलील होता है वही होता है आपने एक मरतबा साहबा से फरमाया मैं एक मरतबा मैंने ख्वाब देखा कल रात ख्वाब देखा एक तराजू लाया गया उस तराजू के एक पड़ले पर मुझे रख दिया दूसरे पड़ले पर पूरी उम्मत को रख दिया जिस पड़ले पर मैं था वो पड़ला भारी हो गया जाहिर सी बात है आपका मकाम आपकी अजमत समझना फिर उसके बाद मुझे हटा लिया गया जी अबी बकर फिर अबू बकर को उस पड़ले पर रखा गया पूरी उम्मत एक तरफ अबू बकर एक तरफ फिर वो जब पड़ला भारी हो गया फिर उसके बाद हजरत उमर को लाया गया फिर उसके बाद यानी समझ रहे हैं? ये हदीस है है फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, उमर जब खड़े हो गए उस पड़े पर वो पड़ा भारी पड़ गया फिर उसके बाद हजरत उस्मान को लाया गया ये तीन हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर हजरत उमर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तुम ये खाब है नबी का खब हुज्जत है दलील है यहां पर बताया जा रहा है तरतीब ऐसी चलेगी एक रिवायत है मुस्लिम शरीफ की एक औरत आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम के पास और आकर उसने पूछा उसने कोई जरूरत मुझे एक जरूरत है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने फरमाया इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है फला वक्त आना एक वक्त बताया तो उस औरत ने सीधे सवाल किया अगर आप उस वक्त ना रहे आप उस वक्त नहीं रहे आप दुनिया से चले क्या कर मैं क्या करूं आप तो टाइम बता रहे हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर के पास आना साफ आपने फरमाया अबू कितनी हदी एक मरतबा मस्जिद की एक फाउंडेशन डाली जा रही थी मस्जिद की फाउंडेशन जाहिर में वो फाउंडेशन है लेकिन हकीकत में तरतीब बताई जा रही है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए आपने सबसे पहले पत्थर जो है ना उस फाउंडेशन में रखा फिर आपने जो है सारे सहाबा मौजूद हैं आपने नहीं कहा भाई आओ भाई पत्थर रखो आपने फरमाया अब बकर कहां है अबू बकर आओ फिर उसके बाद उमर कहां है भाई उमर और वहां पर जुमला फरमाया जी बात फरमाया अबू बकर जब तुम अपना पत्थर रखो तो मेरे पत्थर से मिलाकर रखना फिर फरमाया हरत उमर से उमर जब तुम अपना पत्थर रखो वहां पर तो अबू बकर के पत्थर से मिलाकर रखना फिर फरमाया अब उस्मान रजी अल्लाह तु से जब तुम अपना पत्थर रखो तो उमर के पत्थर से मिलाकर रखना हर्षा वली रहमला ने बेशुमार हदीसें बयान फरमाई इस बारे में कि हजूर अक्रम अलैहि वसल्लम की बात जो हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह तु उमर रजी अल्लाह तन हजरत उस्मान रजी ये तो तरतीब है ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं ये अतीदे से ताल्लुक रखती है इस मामले में मामला क्लियर होना चाहिए साफ होना चाहिए दूध का दूध पानी का पानी दूध का दूध क्योंकि एक प्रोपगंडा तो चल रहा है प्रोपगंडा फैल रहा है लेकिन उस प्रोपगंडे में मेरा जो अकीदा है मेरा जो नजरिया है वो क्लियर कट होना है प्रोपागंडा क्या है पहले उसको जहन में रखे वो क्या है जिस वक्त हजरत अबू बकर रजियाल्ला ने बेत ली हजरत अली रजियाल्ला ने बैत नहीं की पहले आपको इशू बता देता हूं ये इशू हजरत अली रजियाल्ला ने हजरत अबू बकर रजियाल्ला से ताखिर में बेयत की बहुत देर के बाद क्यों नहीं बेत की फौरन गलत था और हजरत अली गलती पर बैत नहीं करना चाह रहे थे ये प्रोपगंडा है ये जो है ना फैलाया गया है जवाब क्या है इसका यह समझ गया ना मसला इशू समझ गए यही है जवाब जवाब मैं नहीं देता बुखारी और मुस्लिम दोनों में रिवायत है हाँ हजरत आयशा रहा फरमाती हैजरत अबू बकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तु ने हजरत अली को बुलवाया वाकया सुने बुलवाया, बुलाकर पूछा अली क्या बात है क्या बात है हजरत अली रलियाल्ला उस मजलिस में हमद सलात अल्लाह की और सलात बयान करने के बाद फरमाया बस एक शिकायत है मसला पूरा शिकायत क्या है कि आपने खिलाफत के मामले में जल्दी कर ली मैं हजूर अक्रम सल्ला वसलम का रिश्तेदार हूं आपने मुझे मशवरा तक नहीं किया उस मजलिस में मशवरे तक, तक नहीं बुलाया समझ रही है जब ये सुना हजरत अबू बकर रोने लगे और रोकर एक जुमला हजरत अबू बकर अली मेरे रिश्तेदारों से ज्यादा तुम्हारे रिश्तेदारों से मुझे मोहब्बत है क्योंकि वो आपके जो रिश्तेदार हैं वो कौन है हजूर सल्लाह के रिश्तेदार हैं मेरे रिश्ते और ये बात हम पहले भी सुन चुके हैं कि हजरत अबू खुहाफा जो इनके वालिद ईमान लाए उस मौके पर सीधे हजूर सल्लाम से फरमाया

कहने लगे बात जानते हो सिचुएशन क्या है जो मैंने अभी अर्ज किया मसला ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि का इन दुनिया से रख्सत हो चुके हैं जनाजा कफन दफन सारे मसाइल अपनी जगह हैं वहां पर कुछ लोग इमारत के और खिलाफत के पर जो है जमा हो चुके थे वहां जमा हो चुके थे कि क्या करना है तो मुझे तो ले जाया गया वहां पर और ले जाकर साहबा भी कह रहे थे कि वहां पर जो है हज़रत अबू हदीस बयान की और उस पर जो है आपने कहा कि उमर से बेत कर लो या अबू अबैदा से बेत कर लो लेकिन वहाँ पर जो है सारे सहाबा इस बात पर मुतफिक हो गए कि नहीं अबू बकर रदी अल्लाह तुम सबसे अफजल सबसे अहम है और हजरत अली रदील्लान्ह ने साफ फरमाया आप अफजल हैं आपका मकाम ऊंचा है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन सिर्फ ये है कि आप मुझसे मशवरा नहीं किए आप मुझसे मशवरा तो मशवरा क्यों नहीं किए उसकी वजह पता है ना उसकी वजह यह थी कि वो असल में मशवरे की जगह नहीं थी वहां तो एक सिचुएशन की बुनियाद पर उन हालात में बेत हो गई उन हालात में बैत हो गई क्योंकि अभी तो जनाजा बाकी है अच्छा जनाजा कैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जब वहां पर बेत हो गई ना अब हजरत अबू बकर खलीफा बने अब तो आकर एक एक मसले को के तदफीन नहीं कहां होगी मैंने सुना है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला नबी की रूह को वहीं कब्ज़ करते हैं जहां अल्लाह नबी को दफन करना चाहते हैं बस यहीं पे चारपाई हटाओ वहीं पर जो है आपकी कब्र मुबारक किसी ने कहा कब्र कैसे खोदेंगे देंगे खोदेंगे या शिक्की खोदेंगे कैसी कब्र बनाएंगे दोनों सही है अच्छा अब मशूरा हो रहा है हत अबू बकर हतरु ने फरमाया अच्छा भाई दो साहबाते हैं उस जमाने में बड़े मशहूर एक ओबैदा और एक तलहा रजी अल्लाह अन्हु ये दोनों दो खबरों के माहिर थे बुलवाओ दोनों को जो पहले आएगा उसकी खबर वैसी खबर खो देंगे तो इत्तफाक से बुलाया गया तो हजरत रजी अल्लाह आए और कहा कि भाई के आप बगली खबर खो देंगे तो फिर उसके बाद गसल कैसे देंगे आप कपड़े नहीं निकालेंगे कपड़े पर ही पानी बहाएंगे जनाजे की नमाज आम लोगों की तरह नहीं पड़ी जाएगी एक एक चीज एक एक मसला हल करते जा रहे हैं आम लोगों की तरह नहीं पड़ी जाएगी हजरत अबू बकर ने साफ फरमाया हजूर सल्लाम जिंदगी में भी हमारे इमाम और आपके दुनिया से रुखत होने के बाद भी आप हमारे इमाम हैं हम खड़े होंगे आपके सामने एक एक जमातन नहीं फर्दन-फर्दन जाएगा अल्लाह की हम और सलात सलाम पेश करके बाहर आए ये सारे वजूहत की वजह से इतना लम्बा वक्त लगा और फिर हजूर अक्रम सल्हलम की मुबारक तक भी ना तो हजरत अली रजी अमल क्या हुआ बिल्कुल अच्छा ये बात है क्या ये बात तो वाँ, अच्छा वहां बेत नहीं थी असल में वहां एक सिचुएशन को कंट्रोल करना था इसलिए वो चीज अच्छा वो बात हुई और यहां हजूर सल्म के रिश्तेदार हैली रदी यहां पर ये मसरूफ थे तो उस मौके पर भाई अली को बुलाओ उस्मान को बुलाओ फ कहा से होगा तो ये चीज वो नहीं फिर अच्छा उसके बाद हजरत अबू बकर मस्जिद में तशीफ लाए बैठे सीधे उमर रजी अल्लाहर के पास खड़े हुए खड़े होकर आपने हमदो सलाद के बाद हजरत अबू बकर बयान फरमाया फिर बुलाया बुलाकर मुम्बर पर बिठाया और बिठा कर जो है वहां पर आपसे बेत कराई ये है बेत आम और वह है बेत खास ये हजरत हजरत अबू बकर खिलाफत पर तो अबू बकर अल्लाह बकरानू की खिलाफत पर ये सारे सहाबा हो गए अच्छा शिकायत दूर हो गई तो फिर क्या हुआ उसके बाद तशरीफ लाए सा बैठे हुए थे बकरानू खे हुए कल जो कुछ बात हुई थी हजरत अली रजियब के सामने बोल दिया तो भाई ये बात थी फिर उसके बाद हजरत अली रजियाल्ला कहने लगे हाँ मेरे दिल में भी यही शिकायत थी इस वजह से मैं सोच रहा था अब मैं हजरत अबू बकर हाँ बेयत करता तशीफ तो ले गए जाकर आप हजरत अबू बकर के हाँ। और आप अब, अब जिंदगी ये अलग उन्वान है कि हजरत अली रजियाल्ला और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तहु के दरमियान जो ताल्लुक था जो मोहब्बत थी एक मिसाल में आपको देखकर बात आगे करूं हजरत हजरत अली रजियाला जब हजरत फातिमा रजिया का इंतकाल हुआ तो हजरत अली बाद निका फरमाया जब निका किया तो उस खातून से चार बेटे हुए चार बेटे आदमी को जब औलाद होती है नाम रखता है और नाम जो है ना वो नाम रखता है जो उसे पसंद हो समझ रहे ना नाम कौन से रखता है वो रखता है जो उससे पसंद हो तो पहले हजरत फातिमा रजियाल्लाह से जो औलाद हुई सन हुसैन मोहसिन उम्म कुलसुम ये उनके नाम है रजियाल्ला अब ये इस खातून से जो वो खातून भी उम्मे उम्मी ये शिमर की बहन थी अब ये एक अलग उनवान है लेकिन मैं जब ये बेटे हुए तो पहले बेटे का नाम क्या है अबू बकर दूसरे बेटे का नाम उमर तीसरे बेटे का नाम उस्मान चौथे बेटे का नाम अब्बास ये चारों ये चारों ये चारों करबला में थे ये चारों तो अबू बकर नाम अबू बकर नाम उमर नाम उस्मान नाम अब्बास रहमतुल्लाह रजियाल्लाह तो हजरत अबू बकर ताला इस तरह से खिलाफत और जब खिलाफत जब आपको मिली मैं आपको यह खुतबा सुनाता हूं यानी यूं समझिए कि इस्लाम इस्लामी तारीख में सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह और आप जब खलीफा बने तो आपकी जो स्पीच आपकी जो तकरीर आपका जो बयान हुआ वो सबसे पहला बयान क्या इन्हें यू समझिए कि आने वाली क़यामत तक उम्मत जो अहदेदार हैं जिम्मेदार हैं जो जिम्मेदार हैं अपने अपने इन्हें मनसबों में उनको उनके लिए एक रहबरी उनके लिए एक रहनुमा जी खुदबा है अल्लाह तला की हमदोसना बयान करने के बाद तकरीबन छह बातें فرماك أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف منكم قوي عندي حتى أريح علته إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله الا ضربهم الله بالذل ولا يشيع قوم قط الفاحشه الا عمهم الله بالبلاء اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله يعني एक आदमी प्रेसिडेंट बनता है तो प्रेसिडेंट की स्पीच सुनते नहीं मिलियंस ऑफ लोग सुनते हैं ये हमारे हैं प्रेसिडेंट ये हमारे हैं ये है सुनने के लायक ये सुनने के लायक है ये स्पीच ये तकरीर अब देखें आप खुलफा राशिदीन हजरत उमर रजी अल्लाह तु भी जब खलीफा बने वो भी खड़े होकर अल्लाह की हमदना बयान करके कहने लगे लोगो मैं तुम में मशहूर हूं कि बहुत सख्त हूं सबसे पहला जुमला कहने लगे मैं तुम में बहुत मशहूर हूं कि मैं सख्त हूं हाँ मैं अबू बकर के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी सख्त था, था। अबू बकर के ज़माने में भी सख्त था लेकिन जानते हो मैं सख्त उन लोगों के लिए हूं जो जालिम है और मजलूमों के लिए बहुत नरम हूं और मुझे अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है मेरी जिम्मेदारी मैं चार काम करूंगा सबसे पहला मेरा हक मेरी जिम्मेदारी हर तुम रही अल्लाह तु फरमा रहे हैं। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि मैं ये जितनी जितना बैतुल माल है जितना बैतुल माल है ये मा, इस माल की जिम्मेदारी मेरी है क्या मतलब मैं इस माल का चौकीदार हूं जिम्मेदार हूं निगरान हूं इसकी हिफाजत मैं करूंगा सबसे पहली बात और ये प्रैक्टिकल आपने बताया गर्म सख्त धूप थी हजरत उस्मान रजी फरमाते हैं एक परेशान होकर हम लोग जो है कहीं साय में खड़े थे एक आदमी को देख रहे थे कोई आदमी जो है ना इधर उधर इधर उधर करीब करीब आए तो देखे उमर है हमने कहा अमीर आ जाइए गर्म हवा चल रही है लू चल रही है क्या कर रहे हैं कहने लगे कि बैतुलमाल का एक ऊंट गुम हो गया है अरे अमीर उलमिन बहुत सख्त हवा चल रही है गर्म लू हाँ आ जाइए किसी गुलाम को भेज के क्या है देख लेंगे ढूंढ लेंगे तुरहत तो उमर कहने लगे जवाब अल्लाह को मुझे देना है गुलाम को नहीं ये सबसे पहली फिर फरमाया देखो मेरी जिम्मेदारी है मेरे मातहत जितने हैं उन्हें खुशहाल बनाओ उन्हें सही वजाइफ मुकर करो उनकी तनख्वाहों को मैं सही करूं और यही बात थी हजरत उमर तआला अनसार महातिन मस्जिद के मुअज्जिन इमाम ये जितने थे पुलिस पोलिये आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे यही वजह है कि गैर भी कहने लगे हुकूमत अगर करनी है तो अबू बकर सीरत पढ़ो गैर भी कहने लगे

सब एक एक जुमला दे आप है ना मैं अमीर बना हूं मैं हाकिम बना हूं नहीं नहीं मैं अमीर बना हूं मैं हाकिम बना, बना, बना हूं मैं खलीफा बना हूं नहीं बनाया गया हूं वो ली तू मुझे बना दिया गया है यह अल्लाह की तरफ से वो एक वाकया याद आया हजरत आयशा रजी अल्लाह तहा बुखारी शरीफ की रिवायत है एक मरतबा हजरत आयशा रजी को सर में सख्त दर्द हुआ सख्त दर्द तो हज़ू सल्लि वल्म ने फरमाया आयशा अगर तुम्हारा इस दर्द में इंतकाल हो जाए मैं तुम्हारे लिए जरूर मशफ़िरत की दुआ करूंगा तो तो हज़रत आयशा रजील कहने लगी बस आप यही चाहते हैं मेरा इंतकाल हो जाए और आप मेरी बारी के दिन किसी और उज्वाज मतहर के पास जाए है ना बखर तो शरीफ में वाक्य फिर उसके बाद हज़रत हजूर अक्रम सल्ला वसम के सर में दर्द हुआ बहुत सख्त तो उस मौके पर फरमाया आयशा अबू बकर को बुलाओ या उनकी किसी किसी को बुलाओ मैं चाहता हूं कि मैं कुछ लिख दूं मेरे बाद कौन बनेगा ये साफ आपने बुखारी शरीफ के अंदर मेरे बाद कौन बनेगा लेकिन वो असल चीज है जो आखिरी में हजरत ने फरमाया सर्थ सर्थ। फरमाया आयशा रहने दो मेरा दिल ये कहता है अल्लाह तला ईमान वाले अल्लाह तला और ईमान वाले अबू बकर के अलावा किसी पे जमा होंगे ही नहीं अल्लाह तबारक वाल और ईमान वाले अबू बकर के अलावा किसी पे जमा होंगे ही नहीं रहने तो नहीं लिखूंगा है ना सबसे क्योंकि आने आने के 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 या लेने के, तीन तरीके हैं ना हा? पावर जो है ना कैसे लेना है वो आपको पता है ये सबसे पहले उसकी जड़ को काट रहे हैं उस जड़ को काटा जा रहा है कि अबू बकर रजी अन्हु खलीफा कैसे बने अब हमें यह देखना हजरत उमर रजी अन्हु कैसे खलीफा बने हरत उस्मान रजी अल्लाह कैसे खलीफा बने समझ रहे बहुत गौर करने की है क्योंकि अमानत है अबू बकरी तो मुझे जिम्मेदार अमीर बनाया गया है। मैं बनाया। भी भी कभी भी जिम्मेदार कोहदेदार को हाकिम को खलीफा को अमीर को मतकबिर मिजाज नहीं होना चाहिए तबाजों वाला मिजाज होना चाहिए जुमला फरमाया वलत बेखैरी को मैं तुम में अफजल नहीं हूं इसकी शराह में इमाम नबी रहम्ल लिखते हैं वत्फ़ा आहल सुन्ना अला अफजल अबाबकर आहल सुन्नत जमात का इस बात पर इतफाक है कि पूरी उम्मत में अफजल कौन है अम्बिया के बाद लेकिन वो खुद क्या कह रहे हैं वलस्त बैरी को मैंने कर। और फिर फरमाया रात की तारीखी में तन्हाई में ना मैंने कभी अल्लाह से दुआ की ना मेरे दिल में कभी इसकी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं आपके बाद खलीफा बनना है ना मैंने दुआ की ना मेरे दिल में ख्वाश हुई एक जिम्मेदारी डाल दी गई एक जिम्मेदारी डाल दी गई और मैं तुम में बेहतर नहीं तवाज़ो हो फिर फरमाया फीन अहसन तुफ आईनोनी यह है असल जमहूरियत क्या बेहतरीन बात है फैन अहसन तु अगर मैं कोई अच्छा काम करूं नेक काम करूं खैर का काम करूं भलाई का काम करूं मेरा ताउन करना मेरा साथ देना मेरी हेल्प करना व इन असा तो अगर मैं कोई बुरा काम करूं खिलाफ शरा काम करूं पब्लिक को इख्तियार दे रहे ये इख्तियार मैं तुम्हें तो देता हूं किस चीज का इख्तियार देता हूं फकवी मुझे सीधा करना तो... खिलाफत जो है नीदा जो है हाबा समझते थे इस जमाने की तरह नहीं है इस जमानेेिडेंट बने इस जमाने में अमीर बने इस जमाने में वेलकम फूल की हार नहीं वो समझते थे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कैसे अल्लाह के सामने खड़े होना है कैसे अल्लाह को जवाब देना है हाँ अगर हम ये सिर्फ ये सौ पेज है ये इस किताब के डेढ़ सौ पेज मैं तो कहता हूं हर हर इदारे के जिम्मेदारों को ये पढ़ना चाहिए सौ पेज डेढ़ डेढ़ सौ पेज ऐसी गहरी गहरी बातें के ऐसी रहबरी की बातें हैं कि हम सोच नहीं सकते देखिए ना इख्तियार दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं कोई गलत काम करूं फकवी मुझे सीधा करना फिर उसके बाद तीसरी बात असद अमानत वल्किानत मामला मेरी खिलाफत कैसी चलेगी सच्चाई पर अमानत पर चलेगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी कोई चीज सच्चाई अमानत दारी क्योंकि अमानत है और अमानत है ये हम ये हम मिलकियत नहीं है अमानत है मैं सच बोलूंगा जबान की सच्चाई अमल की सच्चाई किरदार की सच्चाई हाँ, हाँ। सिद्ध को अमानत अमानत दारी होगी वल किस वो खयानत झूठ नहीं चलेगा ना मैं झूठ बोलूँ ना मेरे गवर्नर झूठ बोले ना मेरे मातहत झूठ बोले क्योंकि ये खयानत है फिर उसके बाद फरमाया वीफो मिनकुम कवी हिंदी वीफो तुम्हें का जो कमजोर है तुम्हें का जो कमजोर है पब्लिक से कह रहे हैं तुम्हें का जो बहुत कमजोर है मेरे नजदीक वो सबसे ज्यादा ताकतवर है क्या मतलब किसी को कमजोर समझ कर उसका हक अगर दबा लो उसका माल अगर दबा लो मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करके उसका हक दिलाऊंगा यह है असल वजफो कमजोर मीन कुम तुम्हे का जो कमजोर है अगर तुम उसको कमजोर समझ कर उसका हक दबा रहे हो सुन लेना कि वो कवि वो मेरे नज़दीक बहुत ताकतवर है और दूसरा जुमला वल कवियो फ़ीकुम ज़यफ़ों ने हिंदी और तुम में का जो ताकतवर है ताकत के बल बोते पर अपनी जोर के बल बोते पर होता है न चौधरी मिजाज अपना मुता जा, ज़ालिमाना मिजाज अगर इस मिजाज के साथ अगर कोई जो है ज्यादती करता है वल कवी यु फ़ीकुम तुम में का जो ताकतवर है मेरे नज़दीक वो ज़यीफ है उसकी कोई हैसियत नहीं अदल पर होगी इंसाफ होगी मामला की सफाई पर होगी फिर फरमाया दो बातें और फरमाई फरमाया देखो मेरी खिलाफत चलेगी अल्लाह के दिन की मेहनत के साथ हाँ मेहनत होगी लादाऊ कौम जिहादी सबीर वह जो कौम जिहादी सबीर छोड़ देती है अल्लाह उस कौम पर जिल्लत मुसल्लत कर देता है और मेरी खिलाफत में पांचवा उल ये होगा वला वलायुशी और कौन फाहिशा में बेहयाई को अपनी खिलाफत के दौर में नहीं लाऊंगा जबरदस्त एक्शन जबरदस्त उसकी मेहनत होगी कि कोई बेहयाई का काम नहीं होगा इसलिए कि जिस कौम में बेहयाई आती है अल्लाह बलाएं उस कौम पर मुसलत कर देता है क्या खुतबा देखिए अत अतय नीमा अता मेरी सुनो जब तक मैं अल्लाह की अल्लाह के नबी की बोलता रहूँ जब तक मैं अल्लाह की अल्लाह के रसूल वसल्लम की सुनाता रहूंगा मेरी सुनते रहो हाँ फईदा ली अलैकुम जब मैं नहज से हट जाऊं अल्लाह और उसके रसूल वसल्लम की नाफरमानी और उस पर मैं तुम्हें बोलने लगूं मेरी ताद तुम पर वाजिब नहीं है नमाज के लिए खड़े हो जाओ अल्लाह ताला तुम सब पर रहम करे वह नमाज का वक्त आ चुका खुतबा बड़ा मख्सर बड़ा जाम खुतबा इस खुतबे के अंदर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ने अपनी दौर खिलाफत को क्योंकि वही फाउंडेशन पड़ी है हजरत उमर रजी अल्लाह रजील्ला के फतुहात की फतुहात जो आगे जो हजरत उमर रजी अल्लाह रजील् के ज़माने में जो फतुहात आए उसकी बुनियाद कहाँ पड़ी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह के जमाने में तो बह के तो मैं अर्ज एक दो बातें मैंने अर्ज की एक हज़रत अबू बकर खलीफा बने इस तरतीब पर खलीफा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होने के बाद हाँ। और फिर जब खली खिलाफत जब खलीफा बने तो फिर उसके बाद उन्होंने ये खुतबा दिया और इसके बाद आप जैसा मैंने गुजशत भी अर्ज किया था उसको इन शे ब एक तरफ जक़ात का इनकार करने वाले एक तरफ नबुअत का दावा करने वाले एक तरफ इस्लाम से फिर जाने वाले यानी ये सब चीज़ें हालात आते रहे हर तबु बकर जब पाक को जमा करना यानी इन ये हम कैसे हर तबू बकर अपनी ख़िलाफत में इस अमल को किया देखा अल्लाह तबारक ताली इन हज़रा की मोहब्बतों से हमारे दिलों को आबाद फरमाएं अल्लाह ताली हमें अपनी ज़िंदगी में इनकी रहबरीन क्योंकि सहाबा मुक्तदा हैं नमूना हैं रहबर हैं हमारे जिंदगी के हर मामले में अल्लाह हम सबको अमल की तोफीक नसीब फरमाए